दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपके एक डीएम चर्चा के नए एपिसोड के अंदर। तो चलिए, जो भी आपके सवाल आए हैं, सवालों का जो सिलसिला है वो अब शुरू करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मंजीत सर से ये है कि वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किस प्लेटफॉर्म से बनाए? वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किस प्लेटफॉर्म पे बनाए? तो देखो, प्लेटफॉर्म की अगर तक बात करें तो वैसे तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपका वर्डप्रेस हो, चाहे फिर वो आपके कोई जावास्क्रिप्ट वगैरह हो, आपके जो है कोई भी अदर लैंग्वेज हो, किसी पे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने सवाल पूछा तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लारावेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे फ्रेमवर्क आपको मिल जाते हैं, आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये से जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप किसी का भी इस्तेमाल करके जो है आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वेब डेवलपमेंट के, उसका जो है आप क्लोजिंग कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट सर, जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि फेसलेस मोटिवेशनल वीडियोस चैनल को कैसे ग्रो करें, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस टू। फेसलेस मोटिवेशनल वीडियो जो है यूट्यूब चैनल है उसको कैसे प्रमोट करें? तो देखो, प्रमोट की जहां तक बात आती है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन किया गया जहां पर अगर आपका कॉन्टेंट में दम है, अगर आप अपना कॉन्टेंट बहुत ही अच्छे से बनाते हो, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करते हो, तो डेफिनेटली आपका जो चैनल है, जो वीडियोस हैं उसके ऊपर ऑटोमेटिकली व्यूज जो हैं वो आने लग जाएंगे। लेकिन स्टिल अगर मैं आपको एक जनरल की बात करूं तो डेफिनेटली ये भी जरूरी है, क्योंकि कंटेंट बनाकर अपलोड कर देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ में अगर आप प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में कोई पेड प्रमोशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप ऑर्गेनिकली उसको ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक आना चाहिए जिसको हम कहते हैं SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सीख लीजिए कि यूट्यूब का SEO कैसे किया जाता है और उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना होता है। एंड डेफिनेटली जब आप ये काम करेंगे, एंड क्योंकि SEO जो है ओवरनाइट कोई भी मिरेकल नहीं करता है, एक लॉन्ग टाइम जो है आपको इस पे ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, तो जब आप किसी भी चीज को लेके ऑनगोइंग करते रहेंगे एंड स्लोली ग्रेजुअली जो है आप आसानी से वहां तक पहुंच पाएंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू ऑल्सो रिकमेंड टू यूज एन ओपन सोर्स SEO प्लेटफॉर्म अदर देन AI SEO और Yoast SEO? What do you suggest? देखो, ओपन SEO की बात जहां तक है और या फिर Yoast वगैरह का इस्तेमाल की बात है, तो या रैंक मैथ की बात कर लो, है ना, कोई भी टूल इस्तेमाल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। The only thing is कि आपको जो है आपका कंटेंट रैंक कराने से मतलब होना चाहिए। चाहे कोई भी टूल ले लो, चाहे वो पेड है चाहे वो फ्री वाला है, फ्री वाले में हर चीज नहीं बताई जाती लेकिन पेड वाले में काफी चीजें बताई जाती हैं। बस यही है कि आप कोई भी टूल इस्तेमाल करें कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी टूल्स जो हैं वो एक ही चीज बताने वाले हैं। तो इससे चाहे आप ओपन वाले पे जाओ, चाहे आप जो है Yoast पे जाओ, चाहे आप रैंक मैथ पे जाओ या फिर किसी और टूल पे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन मोटो है कि उसके जो आपके पॉइंट्स बताए गए हैं आपको ऑन पेज के, उनको जो है आप कितना अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं वो आपके ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। अगर उसको आप फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली फिर आप कोई भी टूल का इस्तेमाल करो, एंड स्लोली ग्रेजुअली जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको किसी टूल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट। राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ है क्या? काफी लोग बोलते रहते हैं पर्टिकुलर लेवल के बाद ग्रोथ नहीं है करके, और कैसे स्किल सेट बढ़ाएं? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो ग्रोथ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ग्रोथ नहीं है। अब मैं इसका आंसर नहीं, आपको एक सिनेरियो बताता हूं। डेली बेसिस पे आप मेरी बात पे बिल्कुल बिलीव मत करो, आप गूगल पे जाओ, जाकर ये चेक करो कि डेली बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली कितने नए डोमेन जो है वो रजिस्टर किए जाते हैं। आपको जो नंबर मिलेगा, डेफिनेटली वो जो भी डोमेन, जितने भी नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे गूगल पे, उन सभी को अपनी वेबसाइट्स बनानी है, और हर कोई चाहता है कि वो टॉप पे आए, राइट? हर कोई चाहता है टॉप पे आए। तो ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग ही एक ऐसा ही
ऑप्शन है जहां पर इतनी सारी वेबसाइट्स, इतने सारे डोमेन का जो डोमेन अथॉरिटी होती है या पेज अथॉरिटी होती है, DAPA जिसको हम बोलते हैं, राइट, वो इंक्रीज करने के लिए डेफिनेटली डिजिटल मार्केटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको लगता है कि आगे आने वाला बिजनेस या फिर लोगों ने डोमेन रजिस्टर करना बंद कर दिए हैं तो कोई ग्रोथ नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में। अगर लगता है गूगल झूठ बोल रहा है तो बिल्कुल छोड़ दो डिजिटल मार्केटिंग। अगर लगता है कि यहाँ पे जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो आपको सही लग रही हैं, तो यार मेरे को ये बताओ कि जब इतने डोमेन रजिस्टर हो रहे हैं, इतने सभी लोग जो है अपने बिजनेस को टॉप पे लाने की बात कर रहे हैं, तो यार उनको डिजिटल मार्केटर उनके अगेंस्ट में कितने हैं? बहुत कम है, बहुत कम डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अगर आपका स्किल और आपका जो नॉलेज है वो बहुत इनडेप्थ चला जाता है और आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, बिलीव मी आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं है, आपके लिए डेली बेसिस पे भर भर के अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेलेबल है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सर, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, गूगल ट्रेंड्स का यूज कैसे करें ई कॉमर्स में? गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल कैसे करें ई कॉमर्स में? देखो, ई कॉमर्स में ना गूगल ट्रेंड का आपने सवाल पूछा, मैं आंसर कर दूंगा, लेकिन ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करें, बिकॉज गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपको गूगल जो है एक थर्ड पार्टी है, सभी जितने भी ई कॉमर्स वाली वेबसाइट है उसके लिए वो थर्ड पार्टी है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा जिस प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं या जिसके ऊपर आप लोगों को लगता है, लाइक से फॉर एग्जांपल आप कोई मेंस की वॉच का आप जो है कुछ अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं ई कॉमर्स की, तो बेस्ट चीज क्या है, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं इसके अंदर लाइक Amazon है, Flipkart है, Myntra और जो भी आपकी कंट्री का जो भी बड़ा प्लेयर है उनकी वेबसाइट पे जाओ, वहां पर ट्रेंडिंग में देखो कि क्या है, वहां पर अगर ट्रेंडिंग में जो भी प्रोडक्ट चल रहे हैं उनको अगर आप देखते हो और फिर वापस जाकर अपनी वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट डालते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी सेल होगी। लेकिन अगर आप गूगल ट्रेंड्स की बात करें तो गूगल ट्रेंड को आपको यूज करना भी आना चाहिए, जहां पे आप कंपैरेटिव लगाओगे, कंपेयर करोगे दूसरों से, तो डेफिनेटली वहां पे आपका ग्राफ हमेशा नीचे ही देखने को मिलेगा, बिकॉज जो प्लेयर्स हैं वो प्लेयर टॉप ही रहेंगे और जो गूगल ट्रेंड है वो आपको उसी सिमिलर कैटेगरी के अंदर जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो उनका जो है एनहांसमेंट बता देगा। एंड साथ ही साथ जो है गूगल ट्रेंड के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट होता है हम किस कंट्री के अंदर, किस रीजन के अंदर जो है वो चीज को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर में काम करना होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि बड़े प्लेयर्स पे देखो वहां पे ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, उनका अपनी जो भी निश है आपकी उसके साथ में उसको जो है आगे बढ़े तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी रेदर देन यूजिंग द गूगल ट्रेंड। सर आज के क्वेश्चंस बस इतने ही थे। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको जो है यहाँ पर जितने भी आपने सवाल पूछे उनके आंसर मिल गए होंगे, लेकिन अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको लगता है कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूं और इसी डीएम चर्चा के अंदर जो है आपके भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन दूं, तो उसके लिए सिंपल हमारे जो डीएम डिजिटल मंजीत है चैनल है यूट्यूब का, इसके किसी भी वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर पूरी फुल डिटेल अपनी डालो कि क्या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, SEO से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या गूगल एड से रिलेटेड हो, राइट, या ऑन पेज या SEO या फिर आपका ऑफ पेज या फिर टेक्निकल SEO, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी डोमेन है उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में लिखेंगे तो डेफिनेटली आने वाली डीएम चर्चा के अंदर जो है आपके सवाल का आंसर आपको मेरे द्वारा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम अगले पॉडकास्ट में आपके जो क्वेश्चन है उनके मंजीत सर जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।